आशिफ ने उसके साथ गलत काम करा ये मुझे बताया मानवी ने आकर। तो फिर मैंने इसकी अम्मी को इनकी मदद करने के लिए इसकी अम्मी को बताया, पुलिस में केस हुआ। अभी भी पुलिस में ही मेरे बहनोई को और हम लोगों को गलत गलत उसमें फंसा देते हैं। मेरे बहनोई अभी भी जेल में है, ये बोलते हैं सच का साथ नहीं दो। उनसे यही गलती हुई कि हमने सच का साथ दिया। हाँ यही बोलती है पुलिस के, इनको बोलो कि ये लोग पीछे हट जाएं तो फिर हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। तारीख को ये लोग थाने गए, इन्होंने मेरे शोहर की एफआईआर कटवाई कि ये इनका शोहर मेरे घर में रात को 4 बजे घुस के मेरे कपड़े फाड़े हैं, अपनी इज्जत का दावा करा इरम जमाली ने, और वहाँ एफआईआर कटवा के और हम लोगों को, हम जैसे थाने गए तो हमें पता चल गया मेरे शोहर की एफआईआर कटवाई हुई है। और 24 तारीख को इरम जमाली ने एक जगह है वहाँ मेरे शोहर खड़े थे, इरम जमाली खुद मारती हुई मेरे शोहर को लेके गई रक्षे में बिठा के और थाने में उन्होंने बंद करवा दिया। साना जमाली और सलीम से बोला जा रहा है कि सलीम तुम अपना केस वापसी ले लो, हम इस्माइल को छुड़वा देंगे। वाक्य हुआ है काशी, मैंने घर पे आया, बोले रमंटी बुला रही है महानूर को, महानूर को रमंटी बुला रही है काम है। तो मैंने महानूर को बोला जाओ चले जाओ, रमंटी बुला रही है। वो जैसे गई वहाँ पर ऊपर आवाज़ देने लगी रमंटी, इतने में उसने बोला कि नीचे वाले पोर्शन में रमंटी कमरे में है। वो कमरे में चले गए, जैसे उसने दरवाजे के मुँह पर जबरदस्ती हाथ रख दिया। फिर उसने जब गलत काम करके छोड़ के चले गए और जल्दी से ऊपर भागी रमंटी के पास कि रमंटी ऐसे काशी ने जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम करा है। तो मेरी बहन इरम जमाली ने उसको धमकी दी, बोली खामोश हो जा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और तूने किसी को बताया तेरा बाप इतना ज़ालिम है तुझे कत्ल कर देगा। और रोती हुई मेरी पड़ोसन महक है उसकी घर पे अपनी सहेली घर पे आके उसे सारा वाक्य उसको बताया, डर के मारे उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि अम्मी पापा को पापा कुछ कर देने मेरे साथ। फिर उसके बाद 5-6 दिन बाद मेरी जो पड़ोसन महक है उसने मुझे ये सारा वाक्य बताया कैसे ऐसा हुआ। मैं लड़के के पास गई रोती हुई, मैंने बोला देख मैं तुझे औलादों की तरह समझती हूँ, तू मेरे घर पे खाना पीना सब कुछ करता है, तूने मेरे बच्चे के साथ ऐसे करा। तो उसने बोला कि रुखान आंटी मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। अब वो मतलब धमकियाँ वगैरह ला रहे हैं कि केस वापस ले लो वरना जो तुम्हारी जो गवाह है उसे साल में करेंगे। अब 2 केस उसके ऊपर डाल दिए उल्टे सीधे इरम जमाली ने, असलम जमाली ने, मेरे अपने जो होके मेरा साथ नहीं दे रही, ये दुख है मुझे। तो अभी जो गैर सच्चाई का साथ दे रहे उनको भी धमकियाँ वगैरह दी जा रही है कि तुम केस कमज़ोर करने की वजह से कि बच्चे का केस कमज़ोर हो जाए, ये गवाह इनके गरीब इंसान है, इनके पास कुछ नहीं होगा, केस लड़ने का छोड़ कर लिए तो खुद ही पीछे हट जाएंगे।